प्यारे भाभी, अगर जरूरत मुझे मिल गया तो मैं विश्वास कर दूंगा और एक जीत का सजा दूंगा। तो ठीक है बेटा जी, सबूत दिखाती हूँ। इंद्रजीत की सबूत सबसे पहले देखिए, एक चंद्रहास तलवार किसकी हाथ की है? इंद्रजीत को इतना हिम्मत हो गया, चलो मैं समान भाभी को फोन पर जाने का प्रयास किया। भाभी आप, मुझे विश्वास हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। एक घंटे के अंदर, एक घंटा के अंदर इंद्रजीत का कोर कलेजी आपके पास रहा। ठीक है जेवर जी, चाहिए आप अपने भाई को ले, लेकिन इस समय इंद्रजीत का हाथ तो है कहा? अरे देवर जी, कहाँ होगा, अपनी माँ के पास में होगा, और कहाँ होगा। ठीक है भाभी, आप चले अपने भाई की ओर, और यहाँ से और अंगरबानी के भाई की ओर चलता हूँ। ठीक है देवर जी, मैं अपने महल में जा रही हूँ। इंद्रजीत, ये तूने अच्छा नहीं किया, जस भाभी से लग गए। मैं माँ का सम्मान मानता हूँ, वही भाभी सोना से खिलाड़ करने की कोशिश लो, हारा मत आ गए। तू मेरा बेटा नहीं, तू ऐसा दुश्मन बन चुका है कि चार तू मेरे सामने आएगा, मैं अपने चंद्रहास दरबार से तुझे दो खोटी करके जमीन में डाल दूंगा। हरम जाते रुक जा, रुक जा, हृदय सिंगार हार रुक जाए तुझे, रुक जा, रुक जा।
अल्फाज जो माता जी के नाम पर थी सती चंपा, सती चंपा की तो एक सिंह एक बालक और एक पुत्र पैदा जो बड़े भैया के नाम वही राजा मकरंद है। मेरे माँ ने सारे घर में नाम के रखे तो वही सती फूला आगे दीदी सुना दे बतन परमान आर के विधि के नाम वही सती सोना
ये बड़े भैया के नाम दुनिया संसार में कैसे लिख सकती हूँ, आगे स्वामीनाथ के नाम दुनिया संसार में कैसे लिख, परमात्मा भगवान ये मेरा ही पेट से पुत्र पैदा लिया, जो पुत्र के नाम वही तो जीत कुमार है। दीदी सोना की पेट से एक पुत्र पैदा लिया, जो पुत्र के नाम वही नल कुमार है। जब इधर 10 वर्ष को हुआ और एक दिन 5 वर्ष की प्रेम की चंडाल स्वामीनाथ ने परमिशन कहा करा दी, कहीं मत पूर कर दैत्य से मैं बोल गया कि देखो वे कैंडल, देखो वे कैंड जी, जब तक रात में बाहर से कोई परवाना मत पूर को लेने जाए तब तक दोनों बालक रात में बाहर सकते नहीं, आज मु पा गए तो धन सत्कार बारह बरस बीते गए दोनों बालक को मत पूर को ले, ना तो कोई खबर ना तो कोई परवाना आई। ठीक है, इस समय मैं अपने महल आराम करती हूँ। मिलने के लिए आए हैं, तेरे पाप थक गए होगा बेटा,